और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। वी ऑल नो कि इंडिया में यूरोपियंस का आना होता है। सबसे पहले इंडिया में पोर्चुगीज आते हैं, अगेन 1498 में यहाँ पर वास्को डी गामा आते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है डच आते हैं, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेन्स आते हैं, एंड अल्टीमेटली हमें इंडिया में फ्रेंच का आना होता दिखाई देता है। नाउ दीज वर द फाइव पावर्स विच केम इन इंडिया, एंड ये उनका सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 1498 से पहले इंडिया का कोई ट्रेड कनेक्शन यूरोप से था या नहीं। वी ऑल नो हिस्टोरिकल रोमन ट्रेड कनेक्शंस विद इंडिया, बट होता क्या था उसे हम समझ लेते हैं कि पहले क्या होता था। अल्टीमेटली देखिए 1498 में क्या हुआ, 1498 में पोर्चुगीज यहां से आते हैं, एंड यहां से आते हुए उनका क्या रूट था, उनका रूट रहा सी रूट, उनका रूट ये रहा, एंड यहां से आते हुए वो इस तरह से इंडिया पहुंचते हैं। बट इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले दो रूट इंडिया के साथ ट्रेड के लिए यूज होते थे। फर्स्ट वाज द लैंड रूट, कंप्लीट लैंड रूट, जो कि यहाँ का जो आज का शहर है इस्तांबुल का, जो पहले जिसे हम कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानते थे, राइट, जिसे हम पहले कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जानते थे, उस रास्ते से होता हुआ ट्रेड जो होता था यूरोप के साथ यहाँ पर होता था। एंड दूसरा रूट जो था वो कंबाइंड रूट था, यानी कि उसमें आप यहाँ से चलते हैं थ्रू सी, एंड रेड सी से होते हुए यहाँ पर पहुंचते हैं, एंड ये जो साइनाय पेनिनसुला है यहाँ पर आप अपना सामान उतारते थे बाय रोड, यहाँ से लेकर जाते थे या बाय लैंड यहाँ से लेकर जाते थे, अल्टीमेटली दोबारा शिप्स में लोड होता था सामान, एंड फिर ये यूरोप में जाता था। सो ये तो है पुराने रूट्स। बाद में क्या होता है, बाद में जो पुराने रूट्स थे उनको यहाँ पर छोड़ दिया गया, एंड जो पोर्चुगीज थे वो ये नया रूट लेकर यहाँ से इंडिया में आते हैं, पोर्चुगीज यहाँ से नया रूट लेकर। नाउ ऐसा क्यों हुआ कि पोर्चुगीज को ये नया रास्ता खोजना पड़ा, एंड ये जो दो पुराने रास्ते थे इससे यूरोपियंस के साथ हमारा ट्रेड जो है वो बंद हो जाता है। बेसिकली ये बात है, ये बात है यहाँ पर बेसिकली 1453 की। 1453 में क्या हुआ था, 1453 में वी ऑल नो कि 1453 में फॉल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर देखने को मिलता है। बाइजेंटाइन एम्पायर मीन्स व्हाट, बाइजेंटाइन एम्पायर जिसे हम ईस्टर्न रोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। नाउ ये जो बाइजेंटाइन एम्पायर था इसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, इसकी कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, यानी कि जो आज का इस्तांबुल है, आज की जो टर्की की जो कैपिटल है इस्तांबुल, वो जो थी इसकी कैपिटल रही बाइजेंटाइन एम्पायर की। अब जब तक तो बाइजेंटाइन एम्पायर था तब तक ट्रेड बहुत ही शांति से हो रहा था, नॉर्मल ट्रेड जो नॉर्मल टैक्सेस थे वो पे किए जाते थे, एंड सामान इंडिया का, भारत का जो सामान था वो यूरोप में पहुंच रहा था। अल्टीमेटली 1453 में ये जो एरिया था, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल का एरिया था, बेसिकली यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर इस्टेब्लिश हो जाता है, एंड बाइजेंटाइन एम्पायर जो है वो यहाँ से हटा दिया जाता है। जो ऑटोमन टर्क्स थे, जो ऑटोमन टर्क्स थे, ऑटोमन टर्क्स थे, बेसिकली उन्होंने इस एरिया के ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया था। ये जो एरिया है इसके ऊपर आप देखते हो, ये सारा जो एरिया है, ये जो सारा एरिया है इसके ऊपर ऑटोमन एम्पायर जो है एस्टेब्लिश हो चुका था। सो ऑटोमन एम्पायर के आने से हुआ क्या, ऑटोमन एम्पायर के आने से इंडिया से जो ट्रेड हो रहा था उसके ये जो दोनों ही रस्ते थे इनसे ट्रेड कर पाना बहुत ही कठिन हो गया था, बिकॉज ऑटोमन एम्पायर ने आते ही यहाँ पर बहुत सारे हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए। अल्टीमेटली हुआ ये कि भाई ये जो ट्रेड इंडिया से हो रहा था इट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द यूरोपियंस, यूरोपियंस को ये जो सामान था वो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलने लगा, एंड सारा का सारा जो प्रॉफिट था वो ये जो ऑटोमन टर्क्स थे इनके हाथ में जा रहा था। सो चीजें महंगी हो जाती हैं यूरोप में। सो पहला कारण यही था, जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स मैंने लिखा कि भाई ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या थे, अगेन वी आर स्टडिंग द फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल, यू नो, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कि क्यों यूरोपियंस को वो सी रूट यहाँ पर खोजना पड़ता है। सो पहला कारण यही था जो ज्योग्राफिकल कारण है कि भाई बाइजेंटाइन एम्पायर का फॉल हो जाता है, ऑटोमन एम्पायर वहां पे राइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये दो जो कन्वेंशनल रूट थे ट्रेड के इंडिया के साथ वो दोनों जो है एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सो एक कारण ये, दूसरा कारण हमें जो देखने को मिलता है, दूसरा कारण जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, दैट इज रिलीजियस फैक्टर्स। अगेन प्लीज अंडरस्टैंड रिलीजियस फैक्टर्स क्यों, देखिए देयर आर टू
religions involved here. One is Christianity and the other is Islam. जो Europeans थे वो followers of Christianity थे and जो Ottoman Turks थे they were the followers of Islam. They were the followers of Islam. Right? So what is happening? जो Islamic rulers थे again they were developing, they were growing because of the taxation and ये चीज जो है Christian जो rulers थे उनकी समझ से बाहर हो गई थी. इनफैक्ट इवन द पोप वाज इन्वॉल्वड हियर बिकॉज पोप को लगता था कि अगर हम डायरेक्ट सी रूट निकाल लेते हैं इंडिया की तरफ तो क्या होगा. अगेन पोप सेड, पोप गेव हिज ब्लेसिंग्स टू द पोर्चुगीज दैट इफ यू फाइंड द डायरेक्ट सी रूट आई हैव माय फुल ब्लेसिंग्स विद यू बट यू हैव टू डू वन थिंग फॉर मी दैट आफ्टर रीचिंग इंडिया यू विल हैव टू वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया. सो यहाँ पर दो चीजें हमें देखने को मिल रही हैं. पहली तो ये कि पोप वॉज इंटरेस्टेड. पोप जो कि क्रिश्चियन रिलीजन के जो हेड हैं जिनकी सीट हुआ करती थी रोम में और आज भी वेटिकन सिटी रोम में हमें उनकी सीट देखने को मिलती है. सो ही वॉज इंटरेस्टेड एंड ही सपोर्टेड पोर्चुगीज. ही सपोर्टेड पोर्चुगीज टू कम टू इंडिया. एंड द सेकेंड रीजन वॉज दैट जो हमारे जो क्रिश्चियन रूलर्स थे दे न्यू कि अगर हमने डायरेक्ट रूट टू इंडिया निकाल लिया तो जो इस्लामिक रूलर्स हैं दे विल हैव अ बिग ब्लो हियर. सो ये रिलीजियस फैक्टर यहाँ पर निकल कर आता है जो कि बनता है एक कारण उस ट्रेड रूट को खोजने का. फिर आता है जी इफेक्ट्स ऑफ रेनेसॉ. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड जो रेनेसॉ है ये अगेन उसी समय की घटना है. 14-15 सेंचुरीज की हम यहाँ पर घटना मानते हैं जब एक रेनेसॉ नाम का यहाँ पर एक फैक्ट हमें देखने को मिलता है. नाउ व्हाट इज रेनेसॉ. रेनेसॉ या जिसे मैंने यहाँ पर ये स्पेलिंग में रेनेसांस लिखा जाता है बट इट इज रेनेसॉ. रेनेसॉ gave, you know, filled Europe with a new energy. हम Renaissance है क्या इसके बारे में हम डिटेल में किसी दिन और बात करेंगे बट इतना समझ लीजिए कि Renaissance means it was a new passion in the, you know, European world, जहाँ पे जो यूरोप के लोग थे वो नए नए खोज कर रहे हैं, नए नए पैशन के साथ वो नई नई चीजें कर रहे हैं, उसे हम Renaissance बोल देते हैं. It was a new wave where everybody was involved in, you know, finding new things. And they were involved in painting and they were involved in music and all that, right? So Renaissance aata hai, it filled the Europe with new passion. So ultimately this also encouraged the Portuguese, this also encouraged the European powers to go and look for new lands. So this was also one of the factors ki jo Portuguese the वो निकल पड़ते हैं नई नई जमीनों की खोज में एंड उन्हीं में से एक वास्को डी गामा निकलते हैं इंडिया के लिए. एक और कारण हमें देखने को मिलता है जी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ यूरोप. ये एक पीरियड था जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो चुकी थी. मैं बात कर रहा हूँ 16th सेंचुरी की यानी कि 1500 टू 1600 की पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ. राइट, इस पीरियड तक आते आते इकोनॉमिक ग्रोथ जो है यूरोप में काफी ज्यादा हो चुकी थी. अल्टीमेटली क्या था, अल्टीमेटली लोगों के हाथ में पैसा आ गया था, लोगों के हाथ में मनी आ गई थी एंड दे वर डिमांडिंग फॉर न्यू गुड्स. Right, so there was demand for new and more goods. Right, so जो इंडिया से spices जाते थे या जो इंडिया के यहाँ पे manufactured goods होते थे, finished goods होते थे, उनकी काफी ज्यादा demand हमें देखने को मिलती है. Right, so ultimately because पैसा है लोगों के हाथ में इसलिए new goods जो हैं उनकी या luxurious goods जो हैं उनकी demand बढ़ जाती है यूरोप में and India was one of the major suppliers of these लग्जूरियस गुड्स. सो ये भी एक कारण बनता है जिसकी वजह से यू नो यूरोपियंस को खास करके पोर्चुगीज को एक मौका दिखाई देता है, एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है इन फाइंडिंग अ सी रूट टू इंडिया. उसके बाद सबसे आखिरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट इज द फैक्टर ऑफ लीडरशिप. अगेन यहाँ पर जो पोर्चुगीज के उस समय के जो राजा थे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर जिन्हें कहा जाता है, ही वॉज वेरी मच ऑब्सेस्ड by about finding the route to India. He put all the efforts, you know, scientific, chahe wahan pe research ho ya fir wo paise ki supply ho and leadership ki jo rehta hai ki political wahan par aapko support milna, wo sab ye jo Prince Henry the Navigator hai inhone support provide ki and inhone encourage kiya Portuguese navigators ko ki you go and find the new lands including India. So ye sabhi factors hain ladies and gentlemen जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि पोर्चुगीज कुड सक्सेसफुली कम टू इंडिया एंड यू नो एस्टेब्लिश देयर रूल इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया.
अल्टीमेटली पोर्चुगीज जब पैसा कमा रहे हैं, अल्टीमेटली पोर्चुगीज को देखकर, उन्हें पैसा कमाते हुए देखकर और भी जो पावर्स हैं वो इंडिया में आती हैं। जैसे हमने अभी बात किया कि सबसे पहले पोर्चुगीज आए, फिर डच आते हैं, डच को देखकर फिर यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है 1600 में, राइट। सो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, अल्टीमेटली डेन्स आते हैं एंड फिर फ्रेंच भी यहाँ पर आ जाते हैं। सो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या फैक्टर्स थे जिनके कारण यूरोपियंस का इंडिया में आना हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चहल अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऐसी और वीडियोस आपको हमारे चैनल पर कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। इससे जुड़ी हुई पीडीएफ के लिए आप हमारी वेबसाइट जो है वो विजिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।